पर पीएम सहित। गांधी जयंती के मौके पर देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया याद। देश में दिख रहा गुलाब का असर, कई जिलों में भारी बारिश तो कहीं वज्रपात से कई लोगों की जान। और पीएम ने नल का जल योजना को लेकर किया बड़ा दावा, अब हर गांव में मिलेगा नल का शुद्ध पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ रुतिक। फिर बनाएगा बिहार रिकॉर्ड, इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बिहार में गांधी जयंती के मौके पर महा टीकाकरण अभियान का आगाज किया गया है, यह भी जारी है। 12 लाख के पार पहुंच गया है वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरे बिहार में। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भी वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई थी। बिहार ने तब भी रिकॉर्ड बनाया था और आज भी एक दिन में 40 लाख लोगों को कोरोना का टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गांधी जयंती के मौके पर महा टीकाकरण अभियान, 12 लाख के पार पहुंचा है वैक्सीनेशन का आंकड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक दिन में 40 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि पीएम के जन्मदिन के मौके पर भी यह रिकॉर्ड बना था, बिहार ने तब भी प्रधानमंत्री को यह तोहफा दिया था और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका जो सपना है कि देश में वैक्सीनेशन संपूर्ण हो, उसको लेकर आज महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर, उनके जयंती के मौके पर आज बिहार में महा टीकाकरण अभियान जारी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्भय, बिहार में बात करें, सुबह से ही वैक्सीनेशन अभियान का यह शुभारंभ हुआ है, बिहार ने पहले भी रिकॉर्ड बनाया और आज एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने की राह पर चल चुका है। बिल्कुल ऋतिक, साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से महाअभियान की शुरुआत इससे पहले 17 तारीख को दिखी थी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर, और एक बार फिर से बिहार एक नए रिकॉर्ड को, एक नए कीर्तिमान को बनाने में लगा हुआ है। और ऐसे में पटना जिला जो है वो सबसे आगे चल रहा है, जहां पर 820 केंद्रों पर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके लिए पहले से ही बातें कही गई थी साफ तौर पर कि इस प्रक्रिया को काफी तेज किया जाए। देखिए, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का कहर एक तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना का कहर परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ अब मेगा वैक्सीनेशन करके बिहार सरकार का ये साफ तौर पर एक संदेश है कि जब तक आपने सुना होगा कि जो फिल्म का एक काफी बड़ा डायलॉग था और काफी फेमस था कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बखूबी बिहार उसी रास्ते पर आगे चल रहा है। जब तक कोरोना को बिहार हरा नहीं देगा तब तक इस तरीके से लोगों को, हर एक लोगों को वैक्सीन देने की जो बातें कही गई थी केंद्र सरकार ने बखूबी कहा, लेकिन राज्य सरकार लगातार अब इस पर आगे बढ़ रही है और इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात की गई। जिस तरीके से अगर आपने कहा कि रिकॉर्ड की बात करें तो बखूबी रिकॉर्ड एक बार फिर से बिहार बनाएगा। पिछली बार जब देखा गया था तो 15,000 से कम सेंटर बनाए गए थे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन इस बार 15,000 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए सिर्फ राजधानी पटना में। पटना नहीं कहेंगे बल्कि पटना जिले की अगर बात करें तो पटना जिले में लगभग 820 केंद्र बनाए गए हैं और वहां वैक्सीनेशन चल रहा है। इसके अलावा आप ऋतिक, पहले भी आपने देखा है कि कई ऐसे जिले हैं, साथ ही साथ खुद बिहार सरकार ने दिन और रात वैक्सीनेशन की सुविधाओं को लेकर के भी सेंटर बनाए हैं और उन सेंटरों के साथ साथ कई और विशेष तैयारी की गई है। ऋतिक, इसके साथ साथ एक चीज और दिखी और थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाऊंगा। 15 अगस्त का वो दिन था जब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो झांकी निकाली गई थी, उस झांकी में बखूबी यह संदेश दिया गया था कि अगर बिहार बाढ़ की विपदा से परेशान है, उसके बावजूद भी घर घर तक और एक एक लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। आज वो तस्वीरें बखूबी देखने को मिली है, किस तरीके से नाव पर भी बिहार में जिस तरीके से गुलाब, शहर की बात दूर है निर्भय, शहर की बात और है, वहां पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तरों पर क्योंकि 40 लाख का लक्ष्य रखा गया, पहले जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था उस वक्त 30 के आसपास का यह लक्ष्य था, आज 40 लाख का लक्ष्य है, 12 लाख अब तक पहुंच चुका है। शाम तक के वक्त में क्या यह आंकड़ा पहुंच पाएगा, क्या रिकॉर्ड एक बार फिर बिहार बनाएगा? बिल्कुल,
पर देखने वाली बात होगी कि कोशिश यही है कि लगभग 40 लाख तक जो है वो टीकाकरण पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले 17 सितंबर को जब हमने देखा था लगभग 30 लाख यानी कि 35 लाख तक वैक्सीनेशन हुआ था। अगले दिन उसका आंकड़ा आया था, शाम तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया था, और उसके बाद अब 40 लाख का जो आंकड़ा रखा गया है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार चल रही है आप देख सकते हैं कि अब का वो वक्त जो है दोपहर तक 12 लाख नहीं बल्कि 13 लाख के करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। और थोड़ी देर में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अगर राज्य सरकार की वेबसाइट जो स्वास्थ्य मंत्रालय अपडेट दे रहा है उसके मुताबिक देखा जाए तो अब तक 12 लाख के जो रिकॉर्ड है उस पर दर्शाया गया है, क्योंकि जानकारी डीटी विभाग को मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 12,79,000 से अधिक वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है और आगे भी ये प्रक्रिया दिख रही है, साथ ही साथ लोगों की संख्या भी दिख रही है जो वैक्सीन सेंटर पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग लगातार अपने टीका को लेने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है, क्योंकि साफ तौर पर पिछले बार जो रखा गया था उसमें कहा गया था 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को अधिकतर वैक्सीन सेंटर पर रखा जाएगा, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें दिख रही है सबसे ऋतिक आपको बता दूं कि सरकार ने खुद कहा था कि 12 साल से अधिक के जो भी लोग होंगे, जो भी बच्चे होंगे, जो भी युवा होंगे उनको बिल्कुल युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्भय तमाम जानकारी के लिए। तो निर्भय किशोर हमें तमाम जानकारी इस खबर पर साझा कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर आज बिहार के लिए भी कि आज महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत, और पूरे बिहार में आज महावैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अब तक 12 लाख के पार लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, जिसमें लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो 40 लाख का है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर बिहार में गांधी जयंती के मौके पर राज्य सरकार ने एक बार फिर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इस अभियान के तहत बिहार सरकार की ओर से एक दिन में 40 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य है और इसको लेकर सभी जिलों में विशेष तैयारियां की गई हैं। तो वहीं कई इलाकों में अभी जल जमाव की स्थिति दिख रही है जहां नाव से भी वैक्सीनेशन की जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के मुताबिक पिछली बार से ज्यादा लोगों को टीका देने की तैयारियां की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछली बार जो टीकाकरण महाअभियान के तहत 17 सितंबर को राज्य में कई लोगों को कोरोना का टीका लगा, अधिकतम 33 लाख व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगा था, लेकिन इस बार मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 15,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले टीकाकरण महाअभियान के तहत 14,500 टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया था, जबकि सामान्य दिनों में 3,000 से 6,000 टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया जाता है। इसको लेकर पटना में भी तैयारियां पूरी की गई है। अब तक 12 लाख के पार है और उम्मीद यही है कि इस बार जो सरकार ने निर्धारित किया है टारगेट यानी कि 40 लाख का उसे भी पूरा कर सके। दानापुर के कागजी मोहल्ला में छावनी परिषद के वार्ड 2 के वार्ड पार्षद मासूम अली के द्वारा टीकाकरण कैंप लगाया गया है। विशेष तौर पर लगाए गए इस टीकाकरण कैंप में तकरीबन 200 लोगों को वैक्सीन और कोविशील्ड का टीका दिया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने टीका लगवाया है। तो वहीं टीकाकरण कर रहे स्वास्थ्य कर्मी से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण कराए लोगों का नाम दर्ज कराने के लिए कोई फॉर्मेट उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें टीकाकरण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये केंद्र सरकार द्वारा मतलब योजना है जैसे सबको मुफ्त वैक्सीन का, उसी का शिविर है और ये तीसरा शिविर मेरा है। हम अपने वार्ड में दानापुर कैंट वार्ड नंबर 2 में ये तीसरा शिविर लगाया है, इसके पहले भी 2 लगा था और सबको वैक्सीन मुफ्त दिया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के लिए सबको जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वैक्सीन सबको लेना जरूरी है। वैक्सीन लेने के बाद भी प्रिकॉशन जरूरी है, मास्क लगाए, सैनिटाइजर से हाथ धोए, बराबर साबुन से हाथ धोए, और इसका प्रिकॉशन भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद एकदम स्वतंत्र हो जाए, प्रिकॉशन जरूरी है। इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां राजद का पटना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। 4 और 5 अक्टूबर को ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको लेकर राजद में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। सभी जिलों के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मौजूद रहने वाले, महासचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे। पहले भी आरजेडी में लग चुका है प्रशिक्षण शिविर। ये बड़ी खबर, आरजेडी लगातार प्रशिक्षण शिविर लगा रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो कि आगामी 4 और 5 अक्टूबर को होगा, जिसमें जिला अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष के साथ साथ जो महासचिव हैं जिलों के, वो भी पटना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। और यहां पर
आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस ट्विनिंग प्रोग्राम को किया जा रहा है, जिसमें कई जानकारियां जो है वो साझा की जानी है। चलिए बात करेंगे इस खबर पर, हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर इससे पहले भी लग चुका है, क्या तैयारी उपचुनाव की है? जी बिल्कुल, आरजेडी का परीक्षण शिविर शुरू होने वाला है, इससे पहले भी एक बारी हो चुका है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो तमाम जिला अभी फिलहाल जो होने वाले हैं 4 और 5 तारीख को, इसमें तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, राज्य के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें जिस तरीके से बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी रणनीतियां तय होंगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। इस बार सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। बीते परीक्षण शिविर में तेज प्रताप यादव की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से रणनीति बनानी है इस बार दोनों उपचुनाव पे सीटों को लेकर, उसको लेकर भी बातें होंगी। बिल्कुल, सीटों को लेकर बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर जो टक्कर उपचुनाव को लेकर जारी है उत्कर्ष, ऐसे में आरजेडी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है बिहार विधानसभा का उपचुनाव? बिल्कुल ऋतिक, आरजेडी के लिए 2 पहलू अलग बन गए हैं। एक तो जिस तरीके से एनडीए द्वारा 2 उम्मीदवारों के नाम सामने ले आए गए हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा यूं कह सकते हैं कि चिंतित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कि कुशेश्वर स्थान जो है वो राजद का सीट था, हसनपुर और जो दूसरा सीट है मुंगेर का तारपुर वो कांग्रेस के हाथ का था, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये 2 दिक्कतें जो है वो अब जरूर तेजस्वी यादव को झेलनी पड़ेगी। ऋतिक बिल्कुल, उत्कर्ष तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्कर्ष इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। आरजेडी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 4 और 5 अक्टूबर को ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और महासचिव मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, आरजेडी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। डीटीवी भारत, देश के नाम। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है, आईआईटी हो या मेडिकल। आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ भी ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट पापा। बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों
समझे मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पियू पियू बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैक से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। हाँ खुलिएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कानफोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने गांधी जयंती के मौके पर नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास के बाहर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की सत्ता पर काबिज होते ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जनभागीदारी और स्वच्छता जन आंदोलन के कारण देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ और देश को खुले में शौच से मुक्ति मिली। पीएम मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है जिसके तहत देश को खास कर शहरों को कचरा मुक्त करना है। आज 2 अक्टूबर है, पूरा देश पूज्य महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम भी आज उनके चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन सत्ता संभालने के बाद ही प्रारंभ किया था और सबको मालूम है कि उस अभियान का बड़ा सकारात्मक फल निकला, देश स्वच्छ हो गया और यही नहीं पूरी मुक्ति मिल गई, खुले आकाश में जो सौ जाने वाले लोग थे उससे आजादी मिल गई, मुक्ति मिल गई। पटना में शनिवार को कांग्रेस ने सदाकत आश्रम में गांधी जयंती मनाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि आज हम लोगों ने गांधी जी के जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देश के आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रपिता को शत शत नमन। महंगाई को लेकर मदन मोहन झा ने कहा कि देश में महंगाई तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ क्राइम भी बहुत बढ़ा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों का ईगो प्रॉब्लम है, वो सुनेंगे तब तो। कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और
जिस तरह काम हुआ है मोदी जी के शासन में, वो चाहे कोरोना काल में लोग कठिनाई में रहे, या जिस तरह से रोजगार नौजवानों का गया, पढ़ाई लिखाई पठन पाठन पूरे राज्य में ठप हो गया, पूरे देश में ठप हो गया, स्वास्थ्य सेवा ना के बराबर है, तो ये सब को लेके जनता में आक्रोश है। और चुनाव जब भी आएगा, विधानसभा में तो किसी तरह से जोड़ तोड़ के सरकार जरूर बन गई है यहाँ, लेकिन जिस तरह सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। बापू जी के कौन भक्त हैं और बापू जी के हत्यारे के कौन भक्त हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। महात्मा गांधी जी हम लोग के स्मरणीय हैं, और उन्हें जो देश के आज़ादी में जो योगदान दिया है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं जो पूरे देशवासी उनका अनुसरण करें, तो हम लोग को क्या इसमें आपत्ति हो सकती है। गांधी जयंती के मौके पर मुकामा प्रखंड के अतुदा गांव में सफाई अभियान का आगाज किया गया, जहां बीजेपी नेता दिलीप कुमार टुनटुन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क की सफाई की और कचड़े का निस्तारण भी किया। तो वहीं हर तरफ गांधी जयंती की भी धूम देखने को मिल रही है, साथ ही सड़कों की सफाई भी जारी है। दानापुर में सेना के द्वारा गांधी जयंती के मौके पर चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सब एरिया क्षेत्र में सेना के अधिकारियों और जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। और इस मौके पर बिहार झारखंड के सब एरिया जनरल अफसर कमांडेंट मेजर जनरल राजपाल पुनिया और बीआरसी कमांडेंट आलोक खुराना समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने मिलकर दानापुर छावनी क्षेत्र के सैनिक चौक के आसपास क्षेत्र को स्वच्छ किया। जो बाईपास सैनिक चौक से गंगा के साथ साथ ट्रैफिक को बाहर का बाहर लेकर के जाएगा, उस पर भी काम जल्दी हो। तो यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या, जो ज़्यादा ट्रैफिक है मिलिट्री एरिया में, वो समस्या का भी समाधान हो सकेगा। और जैसा आप जानते हैं, पिछले महीने हमने एक मीटिंग किया था जिसमें सरकार के सभी नुमाइंदे थे, सरकार बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, और हमने मिल करके फैसला किया है कि जो गंगा बाईपास का काम है जल्दी सरकार करे। हमारे जो ड्यूटी साहब हैं, जैसे आप लोगों ने बात करी थी, जनरल राजपाल पुनिया विशिष्ट सेवा मेडल, उनका गांधी जी के जन्मदिन पे उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमने सोचा कि कैंट में हम किस तरह अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ का मुख्य रास्ता है, सैनिक चौक से लेके जो हमारा आशा स्कूल है, मेट्रो स्कूल है, इसके बीच की साफ सफाई करने का। बेगूसराय में गांधी जयंती के मौके पर स्थापना दिवस भी मनाया गया। जिले के 49वां स्थापना दिवस पर पूरे धूमधाम से मनाया गया, जहां आज सुबह जिला प्रशासन बेगूसराय की ओर से पुलिस लाइन से प्रभात फेरी निकाली गई। आपको बता दें कि यह प्रभात फेरी पुलिस लाइन से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होते हुए गांधी स्टेडियम पहुंचकर खत्म हुआ। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के मौके पर दोनों महापुरुषों की तस्वीरों पर अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। या प्रथम डोज हुआ है, दूसरी डोज के 84 दिन पूरा हो गया, मतलब प्रथम डोज लिए 84 दिन पूरा हो गया है और सेकंड डोज के लिए लंबित है। आज लगभग 600 जगहों पर टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें और प्रयास करें कि आज ही हम लोग जितना डोज है पूरा उसको एग्जॉस्ट करा दें। और विभाग की तरफ से डेली हम लोगों को काफ़ी पर्याप्त संख्या में डोजेज मिलती रहे। आज तो महाअभियान चल ही रहा है 600 साइट्स पे, इसके अलावा भी प्रतिदिन, कल भी परसों भी, आगे आने वाले एक सप्ताह 10 दिन लगातार हम लोग। खगड़िया में महात्मा गांधी के जन्मतिथि को याद करते हुए पूरे देश में धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है। खगड़िया में भी विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकारी विभाग तथा समाज सेवी ने गांधी जयंती को मनाते हुए गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर आज के दिन भारत में 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था। एक महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, और दूसरे महान विभूति हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिनका जन्म आज के ही दिन 1904 ईस्वी में हुआ था। आज आदर्श था महात्मा गांधी का, जो सपना था।
चलिए बात करते हैं अब गुलाब की, जिसने कहर ढाया हुआ है बिहार में। पिछले एक हफ्ते से गुलाब चक्रवात का असर साफ देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन तक तेज हवा के साथ भारी बारिश के आसार हैं। निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिम हिस्से में होने से मौसम के मिजाज में बहुत बदलाव भी देखने को मिलेगा। गुलाब तूफान का कहर अब मुजफ्फरपुर शहर में भी दिख रहा है। पिछले कुछ घंटों से हो रही बारिश की वजह से शहर की तस्वीर बदल गई। बारिश होते ही स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई। शुक्रवार को रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहर के अधिकांश जगहों को झील में तब्दील कर दिया। जल जमाव की समस्या ने स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की अनदेखी की वजह से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। व्यवस्था सब खराब हो गया हुआ है। नरक निगम क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा है। और नगर निगम के सारे पदाधिकारियों का इस समय दिखाई नहीं पड़ते हैं और हम लोगों के घर में पानी समाया हुआ है। हम लोग जो है सो डूबे हुए हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल ले। चक्रवात तूफान गुलाब का असर नालंदा में भी देखने को मिल रहा है। जिलों में दो दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है। नहीं आई है, थोड़ा सा कटाव हुआ है एक दो जगह पर। यहाँ पर कटाव हुआ है जैसा आप देख रहे हैं, और पीछे में एक जगह पर जो मिट्टी वाला बांध है वहाँ पे थोड़ा सा कटाव हुआ है। तो अभी हम लोग भाई नाव वगैरह का व्यवस्था करा रहे हैं। फ्लड कंट्रोल का बैग्स वगैरह आ गया है, बालू वगैरह का व्यवस्था हो गया है। थोड़ी देर में लोग इसको भरने की कोशिश। परेशानी है कि आवाजाही बंद हो रहे हैं, आदमी का घर घर पानी हिलने जा रहा है। ठंडा ने पानी हिल गया है, फूलगोभी ठीक आ गया है, सोजी सलेमपुर यही सब है। आदमी दहशत में जी रहा है, जगह की कैसे क्या होगा भाई। कल सवेर में आई है, कुछ सूचना भी नहीं था। दलहन और तिलहन की उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टालक क्षेत्र में इस साल भी कुदरत का कहर टूट पड़ा है। आपको बता दें कि टालक क्षेत्र में अभी तक जल जमाव कायम रहने से समय पर रबी फसल की बुआई दूर की कौड़ी दिख रही है। पिछले तीन साल से किसानों को समय पर फसल बुआई नहीं होने का दंश भी झेलना पड़ता है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।